हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द द्विवेदी फैमिली में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी की बर्फी। और ये बर्फी इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हमने बिना मावे के रेडी की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी लिया है और उसे इस तरीके से छील लिया है। अब हम इसे बीच में से करेंगे कट, और उसके बाद जो इसके बीच का गूदा है उसे हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। गूदे में आप टमाटर प्याज डाल के एक सब्जी भी रेडी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी किसी भी दाल के साथ इसे मिक्स करके रेडी कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप मैंने सारे गूदे से अलग करके अब हम ग्रेटर की हेल्प से लौकी को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। लीजिए, हमारी लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। अब कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस में और उसमें डालेंगे 2 स्पून घी। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लौकी को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि हमें इसे इतना नहीं भूनना है कि हमारी लौकी का कलर चेंज हो जाए। तो आप देखेंगे लौकी पानी छोड़ने लग गई है। अब इस स्टेज में हमने लौकी में चीनी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं एक बॉल चीनी ले रही हूँ और उसे लौकी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी लौकी में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी सूख ना जाए। तो अब हम ढक्कन लगा के इसे पकने देंगे जब तक लौकी का पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो आप देखेंगे कि जो लौकी का पानी है वो अच्छे से सूख चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी बर्फी पे कलर देने के लिए ग्रीन फूड कलर 2 बूंद लौकी में ऐड कर देंगे। अगर आप कलर ऐड ना करना चाहें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस इससे हमारी बर्फी का कलर बहुत ही निखर के आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने एक बॉल मिल्क पाउडर ऐड किया है, साथ में उसी बॉल से एक बॉल नारियल का बूरा भी इसमें ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखिएगा कि इसमें लम्स ना बने। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए 1 स्पून हरे इलायची का पाउडर डाल देते हैं और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद और इसे गैस से निकालेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक प्लेट लिया है और उसमें चारों तरफ से इस तरीके से घी लगा दिया है। ऊपर से बटर पेपर रख देते हैं। आप किसी भी शेप की ट्रे में इसे निकाल सकते हैं। अब जो हमने बर्फी का मिक्सर रेडी किया है उसे इस तरीके से प्लेट में सेट करने के लिए हम फैला देंगे। इस तरीके से हम अपने सारे मिक्सर को प्लेट में फैला देंगे और अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे बाद आप देखेंगे हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे बर्फी के पीसेस में कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो लीजिए, हमारी बर्फी बनके रेडी हो गई है। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम घर में आसानी से ही लौकी की बर्फी बना सकते हैं। ये सेफ़ है, इसमें हमने मावे का यूज़ भी नहीं किया है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर एक एक पीस काजू को इस तरीके से लगा देंगे। तो लीजिए, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी लौकी की बर्फी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।